हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से लेकर आई हूँ मेरी एक और झटपट रेसिपी, क्योंकि मुझे झटपट रेसिपी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बनाते हैं झटपट पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। एक कढ़ाई में आपको लेना है थोड़ा सा रिफाइंड, उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है कढ़ाई को, और उसको गर्म करने के बाद पैन में हम यूज़ करेंगे कुछ जो अवेलेबल थी वेजिटेबल्स, अनियन, शिमला मिर्च एंड गाजर मैंने यूज़ करी है, और आपके पास जो भी है वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है अनियन, और उसके साथ ही मैं डालने वाली हूँ कैरेट। तो ये एक अच्छा खासा साइज का अनियन है एंड एक कैरेट यूज़ करा है, और आपको इसमें जितना पसंद है उतना ज़्यादा या कम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, और वेराइटीज़ भी आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हो पास्ता बनाते समय। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अनियन एंड कैरेट का थोड़ा सा सॉफ्ट होने का वेट कर रही हूँ, सो दैट कच्चापन ना लगे सब्जियों में। और जैसे कि आपको पता है कि शिमला मिर्च जो है वो तो थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी हो तो ही टेस्टी लगती है पास्ता वगैरह में, तो शिमला मिर्च हम डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़े थे फ्रीजर में, जो कि मैंने विदाउट बॉयल करे ही डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इसमें पक जाएंगे, क्योंकि मैं 2 से 3 मिनट जो सब्जियां सॉटे करूंगी तो उसमें काफ़ी जल्दी ही स्वीट कॉर्न पक जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च भी कर दी है ऐड, तो अब हमारी सारी सब्जियां हो गई हैं ऐड। और क्योंकि हम बना रहे हैं आज झटपट पास्ता, तो इसलिए हमारे लिए ये हो गया है बहुत आसान, क्योंकि अब हमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सी सॉस कितनी डालनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना रेडीमेड वाला पास्ता सॉस, क्योंकि किसान का काफ़ी दिनों से मैं ऐड देख रही थी, तो मुझे था कि एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा बनता है। तो इसके लिए इसमें मैं यूज़ करूँगी किसान का रेडीमेड वाला पास्ता सॉस। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना ही नमक वेजिटेबल्स के लिए, और क्योंकि सॉस में ऑलरेडी होता है नमक, तो बहुत थोड़ा ही सॉल्ट यूज़ करना है, और मैंने जो पास्ता बॉईल करके रखा है उसको भी बॉईल करते समय उसमें थोड़ा नमक डाला था, तो इसलिए नमक ऑलरेडी है हमारे पास्ता में, हमारी सॉसेस में, तो इसलिए इसमें बहुत कम सा 1/4 टीस्पून जितना ही सॉल्ट यूज़ करा है, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब ये सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से सॉटे हो गई हैं, और अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ किसान का रेडीमेड वाला पास्ता सॉस। और मुझे लग रहा है कि मेरे पास 2 बाउल जितना पास्ता है, तो उसके लिए 2 टेबल स्पून जितना जो सॉस है वो इनफ रहेगा इतनी क्वांटिटी को बनाने के लिए। तो इसमें मैं अंदाजे से ही ऐड करने वाली हूँ सॉस, आप अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा कम ऐड कर सकते हैं। तो किसान का रेडीमेड पिज्ज़ा एंड पास्ता सॉस है, और मुझे अच्छा लगा जो इसका आउटकम आया, जो बन के फ्लेवर आया था वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर ये 2 बार मैं ले रही हूँ अंदाज़ा लेने के लिए कि 2 टेबल स्पून जितना सॉस आ जाए। अब इसको हमने कर लेना है मिक्स अच्छे से। और दोस्तों, पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया था, वेजिटेबल काट ली थी, और उसके बाद ये एक अनकट वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि पास्ता बनाना भी है बहुत आसान। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स और सॉस हो गई है अच्छे से मिक्स, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा कच्चापन कम पसंद है सब्जियों में, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पका लिया है। आप इसको थोड़ा जल्दी ही मिक्स कर देंगे पास्ता, तो और ज़्यादा क्रिस्पीनेस फील होगी, और मेरे बच्चे के हिसाब से मैंने इसको वेजिटेबल्स को थोड़ा ज़्यादा कुक किया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा 1/2 कप जितना पानी, और उसको अच्छे से करके मिक्स एक बॉयल दिला करके ऐड कर दूंगी मैं पास्ता, सो दैट एक अच्छी सी कोटिंग बन जाए पास्ता के ऊपर और इनसाइड भी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दिलाया था बॉयल। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये 2 कप जितना बॉयल्ड पास्ता, और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। और देखिए, हो गया हमारा झटपट वाला पास्ता भी रेडी। तो ये है इंस्टेंट पास्ता रेसिपी।
आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, ट्राई जरूर करना भाई, बहुत ही यम बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मेहनत भी कम है इसमें, तो ज़रूर ट्राई करना आप दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इंस्टेंट पास्ता रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बनाना भी पड़ेगा आपको, तो एक बार ट्राई जरूर करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना था आपका पास्ता।